दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। यदि छोटी संख्या का मान 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो इसमें दिया गया दो संख्याओं का योग, तो हम मान लेते हैं दोनों संख्याओं को ए और बी। ए और बी संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम ए को बड़ी संख्या मानेंगे और बी को छोटी संख्या मान लेते हैं। तो प्रश्न में कहा था कि दोनों संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर कितना है? ए प्लस बी बराबर है दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब कि ए माइनस बी का दोगुना, ए माइनस बी का दोगुना इंटू दो। फिर इसके बाद इसमें देखा जा रहा है कि 10 दिया है छोटी संख्या, छोटी संख्या का मान 10 दिया है, तो मतलब कि बी का मान 10 दिया है, तो इसमें हम बी का मान पुट कर देंगे। तो ए प्लस 10 इज इक्वल टू ए माइनस 10 गुणे दो। इसके बाद गुणा कर देंगे दो का, ए प्लस 10 बराबर 2a माइनस 20। तो इधर a जो दिया है ये 2a की तरफ चला जाएगा, और 20 जो है माइनस के 20, ये प्लस के 10 की तरफ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 30 और बराबर a बराबर 30 आ जाएगा। यही हमारी बड़ी संख्या होगी, यही a का मान है, ये a का मान बड़ी संख्या है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्याओं का गुणनफल, और गुणनफल तो दिया है तो a इंटू बी मान लेंगे गुणनफल को, और अंतर क्रमशः 93 और 28 है। तो इसका गुणनफल 93 है और अंतर कितना है? 28। अंतर 28 दिया है, गुणनफल और अंतर क्रमशः दिए गए हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब कि उन्हीं संख्याओं का व्युत्क्रम का अंतर। तो बी को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ए को छोटी संख्या माना है और बी को बड़ी संख्या माना है। तो यहाँ पर व्युत्क्रम कहा था, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा का अंतर मतलब व्युत्क्रमों का अंतर। तो 1/b माइनस 1/a बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना है हमें। तो इसका मान निकालने के लिए हमें कैंची गुणा करनी पड़ेगी a माइनस बी और बटे ए बी। कैंची गुणा कैसे करते हैं? a का 1 से तिरछी गुणा, और b का 1 से, और नीचे वाले अंकों की गुणा। तो इसके बाद देखते हैं a माइनस बी बटे ए बी हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, a माइनस बी का मान हमारा दिया था 28, तो 28 रख देंगे a माइनस बी की जगह, और ए बी की जगह कितना है? 93। तो यहाँ पर हम 93 रख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए ना, तो देखते हैं 1560 दिया गया है, तो 1560 को क्या करना है, कौन सी संख्या जोड़नी है, प्लस एक्स मान लो, उसमें माना एक्स जोड़नी है, किससे? 13 से भाग देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1560 को देखना पड़ेगा कि ये कितना बच रहा है इसमें शेष, उसी के अनुसार हमें अनुमान लगाना है। तो देखते हैं कटता कितनी बार में, एक बार में जाएगा, 13 एकम 13, ये एक फालतू में लिख गया है, तो 13 एकम 13 पहले कर लेते हैं, 13 एकम 13, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 6, और यहाँ 13 दूना 26, तो 26 तो पूरा कट गया, और 0 बार में चला जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 0/0 डिलीट, तो 120 में हमारा पूरा कट गया, भागफल हमारा 120 आया, मतलब कि 120 से गुणा करवाएंगे 13 को, तो ये पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें जोड़ना है, तो इसी में 1560 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तब ये पूरा कट जाएगा, 1560 में जोड़ना है 13। तो देखते हैं 1560 में 13 अगर जोड़ेंगे तो पूरा ये कट सकता है, 120 में नहीं, 1560 प्लस 13 को अगर हम 13 से भाग करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 13 से भाग देने के लिए कहा था, तो यहाँ इस पे हम 13 जोड़ देंगे, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या x किसी एक अन्य
एक्स किसी एक अन्य 42 से पूरी पूरी विभाजित है। किससे है? 42 से पूरी पूरी विभाजित है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याओं से एक्स को विभाजित किया जा सकता है या करती हैं। तो देखते हैं एक्स को कौन कौन सी विभाजित करेंगे। जब 42 एक्स को विभाजित करेंगे तो इससे का गुणनखंड कौन से होते हैं? 7 × 6 × 3 × 1 × 21 × 14 भी है, और यही हमारा आंसर है। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आप कहीं भी पाएँ तो आप उनको लगा सकते हैं। इसी विधि के माध्यम से लगेंगे ये सभी क्वेश्चन। थैंक यू।